वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम निकल गए हैं वापस से एक और नया ब्लॉग और एक और नई वीडियो के लिए। और आज जो है सतमी है। कल वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना, वो वाला ब्लॉग यार काफ़ी कमाल का हुआ है। क्योंकि यार कल जो है छठी था और कल हम लोगों ने जो है मतलब नाइट व्यू लिया। जितना भी बड़े बड़े पंडाल था, मतलब तिनसुकिया के जितने भी बड़े बड़े पंडाल हो गया, जैसे ठंडागढ़ हो गया, नौ पोखरी हो गया एंड उसके बाद हो गया शिवपुड़िया हो गया, फिर चालिया नगर, मतलब सभी बड़े बड़े पंडाल का जो है हम लोगों ने नाइट व्यू लिया। और अब हम जा रहे हैं मतलब दिन में, अभी टाइम कितना हो रहा है भैया? अभी तो अभी हो चुका है दोपहर का 3 और हम निकल चुके हैं शूट के लिए। तो अभी जितने भी तिनसुकिया में बड़े बड़े पंडाल हो गए, जैसे ठंडागढ़ हो गया, नौ पोखरी हो गया एंड उसके बाद देवी पोखरी, चालिया नगर, इन सभी का व्यू लूँगा। अगर आप पूजा घूमने नहीं भी जा रहे हो तो ये वाला वीडियो देखकर जो है आप पूजा का जो है भरपूर आनंद ले सकते हो। तो ये है माकुम रोड और अभी हम माकुम रोड से होते हुए जाएँगे। अभी फर्स्ट कहाँ जाना है? पूजा भवन, मानव कल्याण पूजा भवन जाना है। तो अभी हम मानव कल्याण पूजा भवन जाएंगे और हमारे साथ है दीपक भैया। तो भैया जो है राइडिंग कर रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मानव कल्याण पूजा भवन और कल यहाँ का आप लोगों को मैंने नाइट व्यू दिखाया था और अभी हम दिन में भी आ गए, मतलब अभी 3 बज रहा है और अभी का आप लोग सीन देख सकते हो। कल यहाँ पर जो है कम्प्लीट भी नहीं हुआ था और अभी जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट जो है चलते हैं चालिया नगर की तरफ एंड उधर का आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा सारा। चलो फटाफट से चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं चालिया नगर और यहाँ का जो है पंडाल, तो चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ का प्रतिमा भी दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का प्रतिमा। तो चलो अब हम जो है चालिया नगर से भी निकल चुके हैं और अभी हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो अभी हम निकल चुके हैं दूसरे लोकेशन की तरफ, यानी जो है अभी हम जाने वाले हैं देवी पोखरी। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं अपन देवी पोखरी की तरफ एंड उधर का भी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि कैसा वहाँ पर बना हुआ है। हालांकि आप लोगों ने जो है रात का व्यू यार देखा ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दिन का व्यू दिखाता हूँ कि तो अभी हम आ चुके हैं देवी पोखरी और यहाँ का आप लोगों को पंडाल दिखा रहा हूँ। वो देखो वहाँ पर पंडाल है और अभी हम लोगों को जो है इधर से जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपन। तो अभी हम इधर से जाएंगे, इधर से होते हुए जाएंगे। चलो फटाफट से चलते उधर। ये है देवी पोखरी का पंडाल और इधर है प्रतिमा माता जी का। तो अभी हम जो है देवी पोखरी से भी निकल चुके हैं और अभी हम चलते हैं दूसरे लोकेशन की तरफ। हम निकल
निकल चुके हैं सिरपुरिया नेपाली मंदिर की तरफ। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं हम आगे की तरफ और उधर का आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का जो है पंडाल बना हुआ है। यही है, रुकिए रुकिए। तो अब हम आ चुके हैं सिरपुरिया नेपाली मंदिर के वहाँ पे और यहाँ का पंडाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये है इसका मेन गेट। ये है मेन गेट। तो अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं और अभी हम चलते हैं टेंगराही हाबी, उधर का भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। तो अभी हम आ चुके हैं टेंगराही हाबी और इधर का भी आप लोगों को पंडाल और प्रतिमा का व्यू दिखा देता हूँ। ये है टेंगराही हाबी का पंडाल। तो ये था टेंगराही हाबी का पंडाल और प्रतिमा। तो अब हम जो है टेंगराही हाबी से भी निकल चुके हैं और अब हम चलते हैं शीतलावाड़ी। तो अब हम जो है टेंगराही हाबी से भी निकल चुके हैं और अब हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। तो उधर का भी आप लोगों को मैं व्यू दिखा देता हूँ वहाँ पर जो है किस तरह का बना हुआ है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं टेंगराही हाबी शीतलावाड़ी और इधर का आप लोगों को पंडाल और प्रतिमा का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है इधर का पंडाल और वहाँ पर जो है प्रतिमा है माता जी का। तो अभी हम निकल चुके हैं टेंगराही हाबी शीतलावाड़ी से और अभी हम चलते हैं दूसरे लोकेशन और आप लोगों को दूसरा व्यू दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, ठंडा घर या नौपोखरी? अरे नौपोखरी जाएगा ना पहले। तो पहले हम लोग नौपोखरी जाएंगे। चलो फटाफट से अपन चलते हैं नौपोखरी। तो अब हम आ चुके हैं नौपोखरी। तो चलो अब हम चलते हैं पंडाल के अंदर और आप लोगों को जो है प्रतिमा का भी जो है व्यू दिखा देता हूँ। से भी निकल चुके हैं और अब हम चलते हैं ठंडा घर। ये हमारा जो है लास्ट है ना भैया? यस। तो ये हमारा जो है लास्ट है, मतलब यहीं पर हम जाएंगे, उसके बाद जो है हम वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि यार वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है। तो चलो यार फटाफट चलते हैं हम ठंडा घर। कल हमारा जो है ठंडा घर मिस हो गया था तो आज जो है पूरा करके यार वीडियो कंप्लीट करना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपन ठंडा घर की तरफ। तो फाइनली अपन जो है आ चुके हैं ठंडा घर और यहाँ का आप लोगों को पंडाल और प्रतिमा आप लोगों को दिखाऊंगा और ये है ठंडा घर का पंडाल। तो अभी हम चलने वाले हैं अंदर। तो कल ये वाला पंडाल हमारा जो है मिस हो गया था तो आज हमने इसे पूरा कर दिया और यही है ठंडा घर का पंडाल। अभी हम चलते हैं इसके अंदर और माता जी का आपको प्रतिमा दिखा देता हूँ। तो अभी हम जो है ठंडा घर से भी निकल चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा।
तो यार आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही हमें वीडियो बनाने में काफी मोटिवेट करता है। और आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास अच्छा ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।